गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू बीवी ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास 12 में चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर में आज पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? किसी मैग्नेट या करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड वो स्पेस, वो रीजन जिसमें कोई दूसरा मैग्नेट या करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फोर्स फील करता हो, ऐसे फील्ड को हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो डेफिनेशन लिखी हुई है मैग्नेटिक फील्ड की, इट इज द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट और ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन विच इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी फेल्ट। मतलब ये करंट कैरिंग कंडक्टर है तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड, इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। उस मैग्नेटिक फील्ड में कोई दूसरा मैग्नेट या कोई करंट कैरिंग कंडक्टर आएगा तो वो मैग्नेटिक फोर्स को फील करेगा, उस फील्ड को अपन बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे इधर बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड दिखाया गया है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ का ऐसा फील्ड जिसके अंदर कोई भी मैग्नेट या कोई करंट कैरिंग कंडक्टर आएगा और वो मैग्नेटिक फोर्स को फील करेगा और इस रीजन को, इस स्पेस को अपन क्या कहते हैं बेटा, मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटा करंट कैरिंग कंडक्टर का जो मैग्नेटिक फील्ड अपन कंसेंट्रिक सर्कल से दिखाते हैं और इसकी जो डायरेक्शन है, इसकी जो डायरेक्शन है वो अपन राइट हैंड थंब रूल से बताते हैं कि आपको करंट कैरिंग कंडक्टर को राइट हैंड में रखना है, जिस तरफ करंट है उस तरफ थंब को रखना है। तो देखो थंब करंट की तरफ और ये जो कल फिंगर है ये आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी। तो कल फिंगर है ये आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी। इसके बाद अपन डिटेल में पढ़ेंगे जो अपना नेक्स्ट चैप्टर है उसमें। उसके बाद में जो मैग्नेट है इसके मैग्नेटिक फील्ड को ग्राफिकली अपन कैसे रिप्रेजेंट करें, तो इसके लिए फैराडे ने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कंसेप्ट दिया जिनको अपन इमेजिनरी लाइंस कहते हैं। तो एक इमेजिनरी लाइन का कंसेप्ट दिया जिनको बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो बेटा करंट कैरिंग कंडक्टर और मैग्नेट के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका ग्राफिकली या डायग्राम बनाना हो तो अपन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना सकते। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, अब अपन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में बात करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, तो इट इज एन इमेजिनरी कर्व दैट टेंजेंट टू व्हिच एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी एट दैट पॉइंट। ये एक इमेजिनरी कर्व होती है जिसके किसी पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो टेंजेंट उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। जैसे एक इमेजिनरी कंटिन्यूअस कर्व होती है, ठीक है, ये जैसे इमेजिनरी लाइन है, ये किसको बता रहे बेटा, मैग्नेटिक फील्ड को। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वैसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, इनमें इसके किसी पॉइंट पर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है तो आपको उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना है, वो टेंजेंट आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। तो ये बेटा इट इज एन इमेजिनरी कर्व द टेंजेंट टू विच एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट। फिर इसके बाद में इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज है, जैसे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी पढ़ी वैसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की फर्स्ट प्रॉपर्टी है ये कंटिन्यूअस क्लोज कर्व बनाती है, कंटिन्यूअस क्लोज कर्व। देखिए बेटा यहां पे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस मैग्नेट में जो बार मैग्नेट है इसमें नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में टर्मिनेट होती है, मैग्नेट के बाहर नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में टर्मिनेट होती है और मैग्नेट के अंदर साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होती है। तो एक कंटिन्यूअस क्लोज कर्व बन गया ना, तो अपन कह सकते हैं इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म कंटिन्यूअस क्लोज कर्व। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट टू साउथ पोल, है ना, नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में टर्मिनेट होती है मैग्नेट के बाहर और मैग्नेट के अंदर उसकी डायरेक्शन क्या होती है, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। और थर्ड इसकी प्रॉपर्टी है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस
कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो इंटरसेक्ट पॉइंट पर अपने को मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन मिलेगी। इंटरसेक्ट पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन मिलेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक पॉइंट पे अपने को एक ही डायरेक्शन मिल सकती है। और यहां पे देखिए बेटा, अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो इस इंटरसेक्ट पॉइंट पर अपने को दो डायरेक्शन मिल रही है मैग्नेटिक फील्ड की, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी हो गई, जैसे बार मैग्नेट है उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वैसे ही सोलेनोइड का होता है। तो बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है वैसे ही सोलेनोइड का होता है। तो बार मैग्नेट में जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक लाइंस है, वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होती है, वैसे ही सोलेनोइड में होता है। जैसे सोलेनोइड एक करंट कैरिंग सोलेनोइड है जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ और अंदर साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ। जैसे बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड होता है वैसे सोलेनोइड का भी मैग्नेटिक फील्ड होता है, सेम होता है, ठीक है। तो हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी पढ़ी, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में अपन बार मैग्नेट और सोलेनोइड के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, इनके डायग्राम देखेंगे। उसके बाद में अपन अर्थ के एलिमेंट पढ़ेंगे, अर्थ मैग्नेटिज्म के एलिमेंट के बारे में पढ़ा जाए, वो पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।